I'm a Muslim, I know my Islam, and Islam also teaches you not to raise fingers on anybody else. So this work that I've done is between me and my God, and in the end of the day I'm answerable to my God and not these humans. So maine bhi Quran Sharif jo hai wo do bar padhi hai full complete, aur main apna Islam bahut achhi tarike se janti hu. Entertainment jaise TV serial, modeling, acting, ye jaiz hai ki nahi? Entertainment से कमाई जायज है, जायज इंटरटेनमेंट से कमाई जायज है, हराम इंटरटेनमेंट के जरिए जो कमाई है वो हराम है। तो पहला ये देखना चाहिए कि इंटरटेनमेंट हराम है या हलाल है। जो भी आपने कहा, अक्सर जो टीवी सीरियल है, फिल्म एक्टिंग है, मॉडलिंग है, ये हराम है। कुछ टीवी सीरियल अगर इस्लामिक है और कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है, उसकी कमाई, गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ हलाल या हराम। मीन्स फॉर हलाल, हलाल या मिसाल के तौर पे पीस टीवी पे कोई सीरियल है, पीस टीवी पे या हमारे बच्चों के एनुअल डे के सीरियल आते हैं, वो बच्चे एक्टिंग कर रहे, लोग को अल्लाह की तरफ लेके आ रहे, वो हलाल है। लेकिन आम तौर पे जो टीवी सीरियल है, आम तौर पे अक्सर टीवी सीरियल हराम है, वो आपको अल्लाह से दूर लेके जाते, उसमें बेहिजाबी होती, जो लोग कपड़े पहने हैं वो कपड़े पहनने के बाद बदन को ज्यादा दिखाते हैं, कपड़े सही नहीं होते, इसके अंदर हिजाब नहीं होता। एक्टिंग, मॉडलिंग, अगर आप ऐसे मॉडलिंग कर रहे हैं मिसाल के तौर पे जो ख्वातीन अगर मॉडलिंग करती है, अपने जिस्म की नुमाइश करती है, वो सब हराम है। मैं सुना था एक वेरी फेमस एड के बारे में, आपने ये गाड़ी BMW के बारे में सुना है? राइट, BMW गाड़ी बहुत फेमस है, खुसूसा नौजवानों में। मर्सिडीज फेमस है लेकिन नौजवानों में BMW। मुझे एक जन ने कहा था कि BMW की एक एडवर्टीजमेंट थी जिसके आगे, वो BMW गाड़ी के आगे एक खातून खड़ी है, लड़की खड़ी है बिकिनी पहने हुए, और वो एड में लिखा है टेस्ट ड्राइव हर नाउ, हु द गर्ल ऑफ द कार। टेस्ट ड्राइव हर नाउ मतलब आओ इसे चको, किसको, गाड़ी को या लड़की को। तो बिकिनी पहन के लड़की आगे खड़ी है, ये हराम है। तो ऐसे एड के जरिए हम हमारी वालदा, हम हमारी बीवियां, हम हमारी बेटियां को बेच रहे और कहते हैं वुमेन्स राइट। तो अक्सर ये फिल्म के अंदर नंगापना होता है, अगर नंगापना ना होता है दूसरी कुछ चीज बात जो हराम होती है। तो ऐसे फिल्म में एक्टिंग करना, ऐसी मॉडलिंग करना गलत है। लेकिन अगर आप देखते पीस टीवी पे हमारे मुकर्रिन माशाल्लाह प्रोमो कहते, मॉडलिंग नहीं कहूँगा, लेकिन वो कहते कि ये प्रोग्राम देखो, और वो चलते आ रहे और कोई हिदायत की बात कहते, ये अलाउड है। तो अगर जो चीज़ एंटरटेनमेंट कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है, हमारे ईश्वर, हमारे खालिक के पैगाम के खिलाफ नहीं, तो जायज़ है। लेकिन अक्सर ये एंटरटेनमेंट जो आप कह रहे हैं, एक्टिंग, मॉडलिंग, अक्सर हराम है। तो ऐसी हराम चीज़ के जरिए कमाई भी हराम है, हलाल चीज़ के जरिए हलाल है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। या थैंक यू भाई साहब। आप कुछ मॉडलिंग करना चाहते हैं, आपका सवाल की क्या वजह थी? द पॉइंट इज माई फ्रेंड शुड आस्क मी दिस क्वेश्चन, बट लाइक ही वॉज ट्राइंग लाइक फ्रॉम द लॉन्ग टाइम बैक, सो ही वॉज अनेबल टू आस्क यू दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू, सो ही पॉइंटेड टू मी, एंड सो दैट आई विल बी। माशाल्लाह, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे प्रॉक्सी। प्रॉक्सी। भाई साहब ने कहा कि मेरा मुस्लिम दोस्त चाह रहा था सवाल पूछने के लिए, उसे इजाजत नहीं दी जा रही थी, जैसा कल कह रहा था एक भाई साहब, भाई हमको ब्रेन हैमरेज हो रहा है, मुसलमान को पूछने नहीं दे रहे, हम मेहमान की खातिर करते करते मुझे ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। तो ये भाई साहब ने हिंदू को पूछा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। राइट। आप प्रोफेसर है? या। आपने कहा कि आपने मेरी तकरीर सुनी? या। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते खुदा एक है? देखिए, मैं सभी रिलीजन को मानता हूँ, इवन दैट आई एम इन जैन, तो मैं वो भी मानता हूँ, लाइक ईसाइयों को भी मानता हूँ, मुस्लिम्स को भी मानता हूँ, सभी को मानता हूँ, ऐसा कोई नहीं है, बिकॉज पीपल लाइक वन, गॉड इज वन, राइट, एवरीथिंग इज वन, थिंग इज थिंकिंग, इफ यू थिंक लाइक इन अ राइट वे, एवरीथिंग इज गुड, सो इट इज नॉट लाइक दैट यू रेस्पेक्ट दिस रिलीजन, यू रेस्पेक्ट दैट रिलीजन, एवरी रिलीजन इज गुड। भाई साहब ने कहा कि वो सब धर्म में मानते हैं, सब धर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए, सब धर्म सही है। सब धर्म को रिस्पेक्ट करना मैं भी मानता हूँ, कुरान मजीद में भी लिखा है, सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में।
रिस्पेक्ट करना अलग होता है, मानना अलग होता है। मिसाल के तौर पे मेरे प्रोफेसर कोई गलती करता है तो भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये नहीं कि उसे मानना चाहिए। That's why my profession is professor. So I cannot deal with the outer public. I teach my students and I like to involve in my books and my research. That's it. माशाल्लाह आपने, लेकिन मेरा फॉर्मूला क्या है? Right. मेरा फॉर्मूला ये, जो मैंने आयत शुरू की शुरुआत में, इस सवाल जवाब की शुरुआत में मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते तालव इला कलिमतिन सवा इम बैन बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। वरा अनुष्य का भी शय, हम आपस में किसी को शरीक ना करें। वला अनुष्य का भी शय, वला यत्तखीज बादुन बादन अरबाब मिन दुनिल्लाह, और हम आपस में किसी को रब ना बनाएं। फन तवल्लो, अगर वो फिर मुड़ जाए, फकुल शदु बेना मुस्लिमून, तो मैं कम अज़ कम शहादत देता हूँ कि मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूँ और उसकी बात मानता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। तो यहाँ मैं क्या कहता हूँ, कॉमन फॉर्मूला, मैं कहता हूँ कि कम अज़ कम हर इंसान, कोई भी मज़हब में मानता हूँ, कम अज़ कम ये माने कि एक किताब 100% खुदा की तरफ से, ठीक है। तो हिंदू कहेगा मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए, क्या वेद खुदा का कलाम है। वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए कि बाइबल खुदा का कलाम है। मुस्लिम कहेगा कि मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए कुरान अल्लाह का कलाम है। बाद में मैं कहता हूँ हम कम अज़ कम उस बात पे अमल करें जो सारी मजहबी किताबों में यकसा है। तो मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, इस्लाम और तकाबुल मजाहब का मैं तालिब इल्म हूँ। तो रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि सारे मजहब की किताब कहते हैं कि खुदा एक है। मैं हवाला दे चुका हूँ, हिंदू मजहब का हवाला दे सकता हूँ, छंदों के अमृत चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, श्वेता सदर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, श्वेता सदर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3, सब में लिखा है भगवान एक है और मूर्ति पूजा गलत है। आप बाइबल पढ़ेंगे, बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, उसमें लिखा है कि खुदा एक है। कुरान में लिखे है सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1-4 कि कुल वल्लाहु अहद, कहो कि खुदा एक है। तो मैं कहता हूँ कि जो चीज़ यकसा है कम अज़ कम उसके ऊपर तो अमल करो। जो इख्तिलाफ है वो कल डिस्कस करेंगे, सही या गलत कल डिस्कस करेंगे। आप प्रोफेसर है, आपको पता है कि जो चीज़ सारी किताबों में यकसा है तो 100% सही होना चाहिए। जो चीज़ में इख्तिलाफ है वो हम कल डिस्कस कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत। तो ये फॉर्मूला जो वेन डायग्राम होता है, प्रोफेसर है ना, वेन डायग्राम मतलब कॉमन, इट बिलोंग्स टू बोथ द सर्कल्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, राइट। माशाल्लाह आपको अल्लाह ने इतना इल्म दिया है, लेकिन वो एक होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिस। फाइन, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, नॉट थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, थ्योरी एक्स एंड प्रैक्टिकल एक्स, थ्योरी वाई एंड प्रैक्टिकल वाई। थ्योरी बोलना आसान है, नो बहुत से मुकर्ररीन तकरीर करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो मैं तकरीर करता हूँ उसके ऊपर अमल कर सकूँ। तो मैं चाहता हूँ क्या खुदा आपको भी वो दे कि जो आप सिखाते हो उसके ऊपर अमल करे। वेन डायग्राम से ये मालूम होता है, हम जब सारी मजहबी किताबों का मुताला करते हैं, अहम मजहब, मेजर मजहब, हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म, इस्लाम, पता चलता है कि मजहब के ठेकेदार क्या सिखाते वो छोड़ो, वी हैव टू गो टू द सोर्स। मजहब के ठेकेदार अपने फायदे के लिए बहुत से गलत चीज सिखाते, व्हाट इज ट्रूथ यू शुड फॉलो। तो व्हेन वी गो टू द सोर्स, सोर्स पे जाते पता चलता खुदा एक है, बुत परस्ती गलत है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सारी मजहबी किताब में लिखा है कि शराब गलत है, हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में, इस्लाम में, सारी मजहबी किताब में लिखा है वो हराम में, हिंदू मजहबी किताब में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है। तो क्यों ना हम कम अज़ कम जो चीज़ यकसा है उसके ऊपर अमल करें, जो चीज़ इख्तिलाफ है वो कल डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वेन डायग्राम, आप प्रोफेसर है, आपको मानना चाहिए जब बोलते ऑल रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं आप, तो ऑल रिलीजन जो कहता है उसके ऊपर अमल करते हैं क्या नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है। देखिए मैं बोल चुका हूँ सब चीज़ें मानता हूँ, लेकिन पहले चीज मैं 5 चीज़ें आपको बताता हूँ जो मेन है लाइफ में। नमो अरिहंतान मीन्स सभी अरिहंतों को नमस्कार, नमो सिद्धानम सभी साधुओं को नमस्कार, नमो आर्यणम सभी आर्यणों को नमस्कार, नमो उज्जैनम एंड नमो लोहे सवे सवे सामना मतलब सभी लोह पुरुष को नमस्कार। तो सभी को नमस्कार करने के बाद को आप किसी के बारे में सोचिए सब चीज सही है। भाई साहब, भाई साहब आपने कहा नमस्कार 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 नमस्कार, आप नमस्कार का मतलब जानते हैं? राइट।
क्या मतलब है नमस्कार का? नमस्कार का मतलब आपकी मॉरल वैल्यूज, यू गिव द रिस्पेक्ट. गिव मी द एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नमस्कार? उसका रूट वर्ड क्या है? आप बात कर रहे संस्कृत, मैं आपसे पूछता हूं इसका मतलब क्या. आपको नहीं पता तो मैं बताऊंगा नमस्कार का मतलब क्या है. व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड नमस्कार? आप कह रहे हैं, आप प्रोफेसर है, मैं तालिब इल्म हूं. राइट. मैं अपने आप को स्टूडेंट कहता हूं. स्टूडेंट प्रोफेसर से पूछ रहा है, आपने नमस्कार का लफ्ज इस्तेमाल किया. नमस्कार 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 नमस्कार. मैं तालिब इल्म हूं, आपसे पूछता हूं नमस्कार की बानी क्या है. आर्यन से नमस्कार, साधु संत से नमस्कार, नमस्कार की मानी क्या है? कभी कभी होता है कि स्टूडेंट जरा प्रोफेसर से ऊंचा हो जाता है. नहीं पता तो मैं आपको जवाब दे सकता हूं. बताइए. नमस्कार आता है लफ्ज इदम नममे से, संस्कृत लफ्ज है इदम नममे से. मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, उसका मतलब मैं आपकी इबादत करता हूं. इसीलिए अगर कोई मुझे नमस्कार कहता है तो मैं उसको वापस नमस्कार नहीं बोलता हूं, मैं इबादत करता हूं सिर्फ एक खुदा की. इदम नममे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं. ये हिंदू फिलॉसफी है, हिंदू फिलॉसफी, लेकिन उनकी किताब के खिलाफ है. वेद, वेद में नहीं लिखा है. वेद में लिखा है एक ही ईश्वर की इबादत करो. वेद में लिखा है एक ही ईश्वर की इबादत करो. ये पैंथियज्म जो है वो क्रीपिंग क्या है. पैंथियज्म मतलब सब कुछ खुदा. अक्सर हिंदू से पूछेंगे कितने खुदा है, कौन कहेगा 3, कौन कहेगा 10, कौन कहेगा 100, कौन कहेगा 33 करोड़. एक विद्वान हिंदू से कहेंगे जो अपने मजहबी किताबें के बारे में जानता है, वो कहेगा खुदा एक ही है. तो अक्सर हिंदू बिलीव करते फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथियज्म. पैंथियज्म मतलब एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है. हिंदू कहते सब कुछ खुदा है, ये चांद खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है, पेड़ खुदा है, सांप खुदा है. हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है, चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, पेड़ खुदा का है, सांप खुदा का है. हिंदू से एवरीथिंग इज गॉड, वी मुस्लिम से एवरीथिंग इज गॉड्स, GOD विद एन अपोस्ट्रोफी. सो मेजर फर्क है का. ये का के फर्क को मिटा देंगे तो हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे. द डिफरेंस इज द अपोस्ट्रोफी. हिंदू से एवरीथिंग इज गॉड, मुस्लिम से एवरीथिंग इज गॉड्स, GOD विद एन अपोस्ट्रोफी. इफ वी कैन सॉल्व द अपोस्ट्रोफी वील बी वन. कैसे करें? गो बैक टू योर स्क्रिप्चर्स. वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, कुरान पढ़ो. तो एक का के फर्क को निकालेंगे तो आप इदम नम में नमस्कार नहीं कहेंगे. खुदा एक ही है. हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र, एकम ब्रह्म देवत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन. भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है. नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है. देर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट. तो ये चीज अगर आप जानेंगे, जो आप चीज कह रहे हैं उसकी मानी नहीं जानते तो अमल कैसा करेंगे. तो इसीलिए प्रोफेसर साहब, मानी जानना जरूरी है और सिखाने के अलावा अमल करना जरूरी है. थ्योरी से इंपॉर्टेंट इज पुटिंग इन टू प्रैक्टिस. थ्योरी में बोलना चाहिए चोरी मत करो, मैं चोरी कर रहा हूं. झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या फायदा. तकरीर करना एक अलग बात है, अमल में लाना एक दूसरी बात है. इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप और मुताला कीजिए दिगर मजहब का. कम से कम शुरू में ये तो मान लो मुताले के बाद कि खुदा एक है और इस खुदा की बुत परस्ती नहीं करना चाहिए. इसके बाद आपको पता चलेगा दिगर मजहब में, इस्लाम में, हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में, कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में. इंशाल्लाह मुताला कीजिए और अमल कीजिए और फिर इंशाल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी. होप द आंसर द क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.